नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मत चवेटेड मूवी बिगिल के बारे में तो मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी बिगिल इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है बात करें इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर की इस मूवी के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान ने दिया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के अंदर म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है जो जाने पहचाने डायरेक्टर हैं और दोस्तों इस मूवी को 77 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और दोस्तों सेवेंटी वन परसेंट रोटो टोमेटो की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई एम रीडिंग की तो दस में से सिक्स पॉइंट सेवन की दमदार रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर थालापति विजय नैन तारा अमरता अयर रेबा मोनिका जोन डेनियल बालाजी वर्ष बोलम आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं बिगिल वर्ष 2019 में जारी की गई तमिल भाषा की भारतीय फिल्म में इस फिल्म की विधा खेल और एक्शन है फिल्म का लेखक एटली ने किया है जबकि एस जी एस इंटरटेनमेंट के तहत बैनर बैनर तले इसके निर्माण कालापति एस ओगोराम है फिल्म में मुख्य अभिनय विजय ने किया है और अन्य कलाकारों में नैन जेके शराब विवेक और कतिर के काम किया है इसकी कहानी माइकल राइपन उर्फ बिगिल के चारों तरफ घूमती है जो एक फुटबॉल खिलाड़ी के डाकू बन जाता है और एक महिला फुटबॉल टीम को प्रशिक्षण देने का निर्णय लेता है उसे तब समस्या आती है जब उसे हिस्सक पृष्ठभूमि के कारण टीम सहयोग नहीं करते स्वयं को कुछ लोगों को शिकार करना पड़ता है उसके बदला लेना चाहता है फिल्म की आधिकारिक अधिक, घोषणा नवंबर 2018 में अस्थायी सिगरस थालापति तिरसठ के तहत की गई है क्योंकि यह एक अभिनेता के रूप में विजय की तिरसठवी फिल्म है जो अधिकारी सीरीज को घोषणा जून 2019 में की गई है मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2019 में शुरू हुई है इस मुख्य रूम में चेन्नई में शूट किया गया था दिल्ली में एक छोटा कार्यक्रम है अगस्त में मध्य तक पूरा हो जाएगा फिल्म में संगीत ए आर रहमान ने दिया है है छायांकन जीके विष्णु ने किया है और संवर्धन ने किए बिगिल को दिवाली के अवसर पर 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जहां एक आलोचना तमिल बन, तमिल फिल्म बनकर उभरी है जिसमें अपने रिलीज के बाद दो तीन सौ करोड़ का कलेक्शन किया है यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म में से एक बन गई है और विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है इस समय कैरियर में जब जब तक कि वारिसु और लियो दोनों 2023 दो के पीछे नहीं छोड़ दिया है फिल्म में फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को फिल्... अपना 100 दिवसीय नाटकीय प्रदर्शन पूरा किया है और जीएस अवार्ड तमिल आनंद विंकेट सिमी अवार्ड और तीन एडिशन अवार्ड्स को एसआई के प्रतीक दो पुरस्कार भी जीते हैं। माइकल रायपन चैनल में रोयापुरम एक गैंगस्टर है जो अपनी बस्ती की मदद करने के लिए काम करता है उसका आशीर्वादम के साथ एक रिश्ता और प्रतिनिधि गैंगस्टर डेनियल दे, के साथ उसका झगड़ा चल, चल रहा है एक रात डेनियल ने माइकल को अपने करीब दोस्त कातिर को तमिल तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम में कोच पर हम, हमला कर, किया है हमले के दौरान काथिर घायल हो गए एक साल के लिए लवाग्रस्त हो गया तमिल टीम को दिल्ली में आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए काथिर ने तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन से अनुरोध किया है कि वह जगह अपने पूर्ण साथी बिगिल को वास्तव में माइकल को ले ले इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी आप एक बार तो एंजॉय कर ही सकते हो वो टेलीविजन के अलावा यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा तो जरूर से जरूर से कीजिएगा तो दोस्तों मिलते हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मच अवेटेड मूवी बिगिल के बारे में ते और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी बिगिल इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है बात करें इस मूवी मुझी के म्यूजिक डायरेक्टर की इस मूवी के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान ने दिया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के अंदर म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है जो जाने पहचाने डायरेक्टर हैं और दोस्तों इस मूवी को 77 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और दोस्तों सेवनटी वन परसेंट रोटो टोमेटो की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग की तो 10 में से 6.7 की दमदार रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की इस मूवी के अंदर थालापति विजय नैन अमृता अयर रेबा मोनिका जोन डेनियल बालाजी वर्षा बोलम आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं बिगिल वर्ष 2019 में जारी की गई तमिल भाषा की भारतीय फिल्म है इस फिल्म की विधा खेल और एक्शन है फिल्म का लेखन निर्देशन एटली ने किया है जबकि एस जी एस एंटरटेनमेंट के तहत बैनर बैनर तले इसके निर्माण कालापति एस ओगोरम है फिल्म में मुख्य अभिनय विजय ने किया है और अन्य कलाकारों में नेंतरा, जेके शरा विवेक और कतिर के काम किया है इसकी कहानी माइकल राइपन उगिल के चारों तरफ घूमती है जो एक फुटबॉल खिलाड़ी के डाकू बन जाता है और एक महिला फुटबॉल टीम को प्रसिद्ध देने का निर्णय लेता है उसे तब समस्या आती है जब उसे हिंसक पृष्ठभूमि के कारण टीम सहयोग नहीं करतेम को कुछ लोगों को शिकार करना पड़ता है उसके बदला लेना चाहता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवम्बर दो हजार अठारह में अस्थायी तिरसठ के तहत की गई है क्योंकि यह एक अभिनेता के रूप में विजय की तिरसठवीं फिल्म है जो आधिकारिक को घोषणा जून 2019 में की गई है मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2019 में शुरू हुई है इस मुख्य रूप में चेन्नई में शूट किया गया था दिल्ली में एक छोटा कार्यक्रम है अगस्त में मध्य तक पूरा हो जाएगा फिल्म में संगीत ए आर रहमान ने दिया है छायांका जी के विष्णु ने किया है और संवर्धन रूबेन ने किए हैं बिगिल को दिवाली के अवसर पर 25 दो 2019 को रिलीज किया गया था जहां एक आलोचना है यह फिल्म फिल्म 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल बन... तमिल बनकर उभरी है जिसमें अपने रिलीज के बाद दो तीन सौ करोड़ का कलेक्शन किया है यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म में से एक बन गई है और विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है इस समय उसे कैरियर में जब जब तक कि और लियो दोनों 2023 के पीछे नहीं छोड़ दिया है फिल्म में फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को फिल, अपना 100 दिवसीय नाटकीय प्रदर्शन पूरा किया है और जी एस अवार्ड तमिल आनंद वेंकट अवार्ड और तीन एडिशन अवार्ड को एसआई अवार्ड के प्रतीक दो पुरस्कार भी जीते हैं माइकल रायपन चैनल में रोयापुरम एक गैंगस्टर है जो अपनी जुग्गी बस्ती की मदद करने के लिए काम करता है उसका एजेंट आशीर्वादम के साथ एक अजीज रिश्ता और प्रतिनिधि गैंगस्टर डेनियल दे, के साथ उसका चल झगड़ा चल रहा है एक रात डेनियल ने माइकल को अपने करीब दोस्त कातिर को तमिल तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम में कोच है पर हमला किया है। हमले के दौरान काथिर घायल हो गए एक साल के लिए लवाग्रस्त हो गया तमिल टीम को दिल्ली में आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए काथिर ने तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन से अनुरोध किया है कि वह जगह अपने पूर्ण साथी बिगिल को वास्तव में माइकल को ले ले इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी आप एक बार तो एंजॉय कर ही सकते हो वो टेलीविजन के अलावा यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मत चवेटेड मूवी बिगिल के बारे में तो मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस, इस, इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी बिगिल इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है बात करें इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर की इस मूवी के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान ने दिया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के अंदर म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है जो जाने पहचाने डायरेक्टर हैं और दोस्तों को सेवन सेवन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और दोस्तों सेवेंटी वन परसेंट रोटो टोमेटो की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई एम डीवी की तो 10 में से 6.7 की दमदार रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी मुझ के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर थलापति विजय नैन तारा अमृता रेबा मोनिका जोन डेनियल बालाजी वर्ष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। बिगिल वर्ष 2019 में जारी की गई तमिल भाषा की भारतीय फिल्म है इस फिल्म की विधा खेल और एक्शन है फिल्म का लेखन निर्देशन एटली ने किया है जबकि एस जी एस एंटरटेनमेंट के तहत बैनर बैनर तले इसके निर्माण कालापति एस ओगोराम है फिल्म में मुख्य अभिनय विजय ने किया है और अन्य कलाकारों में नेंतरा, जेके शराब विवेक और कतिर के काम किया है इसकी कहानी माइकल राइपन उर्फ बिगिल के चारों तरफ घूमती है जो एक फुटबॉल खिलाड़ी के डाकू बन जाता है और एक महिला फुटबॉल टीम को प्रसिद्ध देने का निर्णय लेता है उसे तब समस्या आती है जब उसे हिंसक पृष्ठभूमि के कारण टीम सहयोग नहीं करते सुन को कुछ लोगों को शिकार करना पड़ता है उसके बदला लेना चाहता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2018 हजार अठारह में अस्थायी शीघ्रपति तिरसठ के तहत की गई है क्योंकि यह एक अभिनेता के रूप में विजय की तिरसठवीं फिल्म है जो आधिकारिक आधिकारिकीस को घोषणा जून 2019 में की गई है मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2019 में शुरू हुई है इस मुख्य रूप में चेन्नई में शूट किया गया था दिल्ली में एक छोटा कार्यक्रम है अगस्त में मध्य तक पूरा हो जाएगा फिल्म में संगीत ए आर रहमान ने दिया है है जी के विष्णु ने किया और संवादन रूबेन ने किए हैं बिगिल को दिवाली के अवसर पर 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जहां एक आलोचना की काफी सकारात्मक मिली है यह फिल्म 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल तमिल फिल्म बनकर उभरी है जिसमें अपने रिलीज के बाद दो तीन सौ करोड़ का कलेक्शन किया है यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म में से एक बन गई है और विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है इस समय उसे कैरियर में जब जब तक कि वारिस और लियो दोनों 2023 दो के पीछे नहीं छोड़ दिया है फिल्म में फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय नाटकीय प्रदर्शन पूरा किया है और जी एस अवार्ड तमिल आनंद विंकेट सिनेमा अवार्ड और तीन एडिशन अवार्ड्स को वावाड़ के प्रतीक दो पुरस्कार भी जीते हैं। माइकल रायपन चैनल में रोयापुरम एक गैंगस्टर है जो अपनी बस्ती की मदद करने के लिए काम करता है उसका आशीर्वादम के साथ एक अजीज रिश्ता और प्रतिनिधि गैंगस्टर डेनियल दे के साथ उसका झगड़ा चल, चल रहा है एक रात डेनियल ने माइकल को अपने करीब दोस्त कातिर को तमिल तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम में कोच हमला किया है हमले के दौरान काथिर घायल हो गए एक साल के लिए लवाग्रस्त हो गया तमिल टीम को दिल्ली में आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए काथिर ने तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन से अनुरोध किया है कि वह जगह अपने पूर्ण साथी बिगिल को वास्तव में माइकल को ले ले इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी आप एक बार तो एंजॉय कर ही सकते हो वो टेलीविजन के अलावा यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिए अगर दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मत अवेटेड मूवी बिगल के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में ते वीडियो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी बिगिल इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने Osionfish. हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है बात करें इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर की इस मूवी के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान ने दिया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के अंदर म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है जो जाने पहचाने डायरेक्टर है और दोस्तों इस मूवी को सेवनटी सेवन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77% सेवन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और दोस्तों टोमेटो की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई एम रीडिंग की तो दस में से सिक्स पॉइंट सेवन की दमदार रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो की इस मूवी के अंदर थालापति विजय नैन अमृता अयर रेबा मोनिका जोन डेनियल बालाजी वर्ष बोलम आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं बिगिल वर्ष 2019 में जारी की गई तमिल भाषा की भारतीय फिल्म में इस फिल्म की विधा खेल और एक्शन है फिल्म का लेखक निर्देशन एटली ने किया है जबकि एस जी एस इंटरटेनमेंट के तहत बैनर बैनर तले इसके निर्माण कालापति एस ओगोराम है फिल्म में मुख्य अभिनय विजय ने किया है और अन्य कलाकारों में नैंतरा जेके शराब विवेक और कतिर के काम किया है इसकी कहानी माइकल राइपन उर्फ बिगिल के चारों तरफ घूमती है जो एक फुटबॉल खिलाड़ी के डाकू बन जाता है और एक महिला फुटबॉल टीम को प्रशिक्षण देने का निर्णय लेता है उसे तब समस्या आती है जब उसे हिस्सक पृष्ठभूमि के कारण टीम सहयोग नहीं करते स्वयं को कुछ लोगों को शिकार करना पड़ता है उसके बदला लेना चाहता है फिल्म की आधिकारिक अधिक, घोषणा नवंबर 2018 में अस्थायी शिगर थालापति तिरसठ के तहत की गई है क्योंकि यह एक अभिनेता के रूप में विजय की तिरसठवी फिल्म है जो अधिकारी सीरीज को घोषणा जून 2019 में की गई है मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2019 में शुरू हुई है इस मुख्य रूप में चेन्नई में शूट किया गया था दिल्ली में एक छोटा कार्यक्रम है अगस्त में मध्य तक पूरा हो जाएगा फिल्म में संगीत ए आर रहमान ने दिया है छाया जी के विष्णु ने किया है और संवादन रूबेन ने किए हैं बिगिल को दिवाली के अवसर पर 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जहां एक आलोचना की काफी सकारात्मक मिली है फिल्म फिल्म 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल तमिल बनकर बन उभरी है जिसमें अपने रिलीज के बाद दो तीन सौ करोड़ का कलेक्शन किया है यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म में से एक बन गई है और विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है इस समय उसे कैरियर में जब जब तक कि वारिस और लियो दोनों 2023 दो के पीछे नहीं छोड़ दिया है फिल्म में फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय नाटकीय प्रदर्शन पूरा किया है और जी एस अवार्ड तमिल आनंद विंकेट सिनेमा अवार्ड और तीन एडिशन अवार्ड को एसआई अवार्ड के प्रतीक दो पुरस्कार भी जीते हैं माइकल रायपन चैनल में रोयापुरम एक गैंगस्टर है जो अपनी झुग्गी बस्ती की मदद करने के लिए काम करता है उसका एजेंट आशीर्वादम के साथ एक अजीब रिश्ता और प्रतिद्वیدی गैंगस्टर डेनियल दे, के साथ उसका झगड़ा चल, चल रहा है एक रात डेनियल ने माइकल को अपने करीब दोस्त कातिर को तमिल तमिल महिला फुटबॉल टीम में कोच कहे पर हमला किया है। हमले के दौरान काथिर घायल हो गए एक साल के लिए लवाग्रस्त हो गया तमिल टीम को दिल्ली में आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए काथिर ने तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन से अनुरोध किया है कि वह जगह अपने पूर्ण साथी बिगिल को वास्तव में माइकल को ले ले इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी आप एक बार तो एंजॉय कर ही सकते हो और टेलीविजन के अलावा यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मच चवेटेड मूवी बिगिल के बारे में तो मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रिव्यू भी दिया है ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी बिगिल इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है बात करें इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर की इस मूवी के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान ने दिया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के अंदर म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है जो जाने पहचाने डायरेक्टर है और दोस्तों इस मूवी को 77 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और दोस्तों सेवेंटी वन परसेंट रोटो टोमेटो की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई एम रीडिंग की तो दस में से सिक्स पॉइंट सेवन की दमदार रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर थालापति विजय नैन अमृता अयर रेबा मोनिका जोन डेनियल बालाजी वर्ष बोलम आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं बिगिल वर्ष 2019 में जारी की गई तमिल भाषा की भारतीय फिल्म में इस फिल्म की विधा खेल और एक्शन है फिल्म का लेखक एटली ने किया है जबकि एस जी एस इंटरटेनमेंट के तहत बैनर बैनर तले इसके निर्माण कालापति एस ओगोराम है फिल्म में मुख्य अभिनय विजय ने किया है और अन्य कलाकारों में नैन जेके शराब विवेक और कतिर के काम किया है इसकी कहानी माइकल राइपन उर्फ बिगिल के चारों तरफ घूमती है जो एक फुटबॉल खिलाड़ी के डाकू बन जाता है और एक महिला फुटबॉल टीम को प्रशिक्षण देने का निर्णय लेता है उसे तब समस्या आती है जब उसे हिस्से पृष्ठभूमि के कारण टीम सहयोग नहीं करते स्वयं को कुछ लोगों को शिकार करना पड़ता है उसके बदला लेना चाहता है फिल्म की आधिकारिक अधिक, घोषणा नवंबर 2018 में अस्थायी शिखर पति तिरसठ के तहत की गई है क्योंकि यह एक अभिनेता के रूप में विजय की तिरसठवी फिल्म है जो अधिकारी सीरीज को घोषणा जून 2019 में की गई है मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2019 में शुरू हुई है इस मुख्य रूम में चेन्नई में शूट किया गया था दिल्ली में एक छोटा कार्यक्रम है अगस्त में, में संगीत ए आर रहमान ने दिया है है जी के विष्णु ने किया है। और संवादन रूबेन ने किए हैं बिगिल को दिवाली के अवसर पर 25 सप्तम्बर 2019 को रिलीज किया गया था जहां एक आलोचना की काफी सकारात्मक मिली है यह फिल्म 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल तमिल फिल्म बनकर उभरी है जिसमें अपने रिलीज के बाद दो तीन सौ करोड़ का कलेक्शन किया है यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म में से एक बन गई है और विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है इस समय उसे कैरियर में जब जब तक कि और लियो दोनों तेईस दो के पीछे नहीं छोड़ दिया है फिल्म में फिल्म ने एक फरवरी 2020 को फिल्... अपना सौ दिवसीय नाटकीय प्रदर्शन पूरा किया है और जी एस अवार्ड तमिल आनंद विंकेट सि अवार्ड और तीन एडिशन अवार्ड को एसआई अवार्ड के प्रतीक दो पुरस्कार भी जीते हैं माइकल रायपन चैनल में रोयापुरम एक गैंगस्टर है जो अपनी जुग्गी बस्ती की मदद करने के लिए काम करता है उसका एजेंट आशीर्वादम के साथ एक अजीब रिश्ता और प्रतिनिधि गैंगस्टर डेनियल दे, के साथ उसका चल झगड़ा चल रहा है एक रात डेनियल ने माइकल को अपने करीब दोस्त कातिर को तमिल तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम में कोच कहे पर हमला किया है। हमले के दौरान काथिर घायल हो गए एक साल के लिए लवाग्रस्त हो गया तमिल टीम को दिल्ली में आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए काथिर ने तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन से अनुरोध किया है कि वह जगह अपने पूर्ण साथी बिगिल को वास्तव में माइकल को ले ले इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी आप एक बार तो एंजॉय कर ही सकते हो वो टेलीविजन के अलावा यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिए अगर दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा तो दोस्तों आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मत चवेटेड मूवी बिगिल के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में वीडियो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी बिगिल इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है बात करें इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर की इस मूवी के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान ने दिया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के अंदर म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है जो तो जाने पहचाने डायरेक्टर हैं और दोस्तों इस मूवी को 77 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और दोस्तों 71 वन परसेंट रोटो टोमेटो की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग की तो 10 में से 6.7 की दमदार रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की इस मूवी के अंदर थलापति विजय नैन अमृता अयर रेबा मोनिका जोन डेनियल बालाजी वर्षा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं बिगिल वर्ष 2019 में जारी की गई तमिल भाषा की भारतीय फिल्म है इस फिल्म की विधा खेल और एक्शन है फिल्म का लेखन निर्देशन एटली ने किया है जबकि एस जी एस एंटरटेनमेंट के तहत बैनर बैनर तले इसके निर्माण कालापति एस ओगोराम है फिल्म में मुख्य अभिनय विजय ने किया है और अन्य कलाकारों में नेंतरा, जेके शरा विवेक और कतिर के काम किया है इसकी कहानी माइकल राइपन उर्फ बिगिल के चारों तरफ घूमती है जो एक फुटबॉल खिलाड़ी के डाकू बन जाता है और एक महिला फुटबॉल टीम को प्रसिद्ध देने का निर्णय लेता है उसे तब समस्या आती है जब उसे हिंसक पृष्ठभूमि के कारण टीम सहयोग नहीं करते को कुछ लोगों को शिकार करना पड़ता है उसके बदला लेना चाहता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2018 में स्थायी शिग्रेस तालापत्ती तिरसठ के तहत की गई है क्योंकि यह एक अभिनेता के रूप में विजय की तिरसठवीं फिल्म है जो आधिकारिकीस को घोषणा जून 2019 में की गई है मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2019 में शुरू हुई है इस मुख्य रूम में चेन्नई में शूट किया गया था दिल्ली में एक छोटा कार्यक्रम है अगस्त में मध्य तक पूरा हो जाएगा फिल्म में संगीत ए आर रहमान ने दिया है छाया जी के विष्णु ने किया है और संवादन रूबेन ने किए है बिगिल को दिवाली के अवसर पर 25 सितंबर 2019 को रिलीज किया गया था जहां एक आलोचना की काफी सकारात्मक मिली है यह फिल्म 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल तमिल फिल्म बनकर उभरी है जिसमें अपने रिलीज के बाद दो तीन सौ करोड़ का कलेक्शन किया है यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म में से एक बन गई है और विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है इस समय उसे कैरियर में जब जब तक कि और लियो दोनों 2023 दो के पीछे नहीं छोड़ दिया है फिल्म में फिल्म ने एक फरवरी 2020 को फिल्म अपना सौ दिवसीय नाटकीय प्रदर्शन पूरा किया है और जी एस अवार्ड तमिल आनंद विंकेट सिने अवार्ड और तीन एडिशन अवार्ड को एसआई आई अवार्ड के प्रतीक दो पुरस्कार भी जीते हैं माइकल रायपन चैनल में रोयापुरम एक गैंगस्टर है जो अपनी जुग्गी बस्ती की मदद करने के लिए काम करता है उसका एजेंट आशीर्वादम के साथ एक अजीज रिश्ता और प्रतिनिधि गैंगस्टर डेनियल दे, के साथ उसका चल झगड़ा चल रहा है एक रात डेनियल ने माइकल को अपने करीब दोस्त कातिर को तमिल तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम में कोच पर हम, हमला किया है। हमले के दौरान काथिर घायल हो गए एक साल के लिए लवाग्रस्त हो गया है तमिल टीम को दिल्ली में आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए काथिर ने तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन से अनुरोध किया है कि वह जगह अपने पूर्ण साथी बिगिल को वास्तव में माइकल को ले ले इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी आप एक बार तो एंजॉय कर ही सकते हो वो टेली और टेलीविजन के अलावा यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा तो दोस्तों मिलते हूं आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मत अवेटेड मूवी बिगल के बारे में मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी बिगिल इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है बात करें इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर की इस मूवी के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान ने दिया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के अंदर म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है जो जाने पहचाने डायरेक्टर हैं और दोस्तों इस मूवी को 77 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और दोस्तों सेवेंटी वन परसेंट रोटो टोमेटो की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई एम रीडिंग की तो दस में से सिक्स पॉइंट सेवन की दमदार रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो की इस मूवी के अंदर थालापति विजय नैन अमृता अयर रेबा मोनिका जोन डेनियल बालाजी वर्ष बोलम आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं बिगिल वर्ष 2019 में जारी की गई तमिल भाषा की भारतीय फिल्म है इस फिल्म की विधा खेल और एक्शन है फिल्म का लेखक निर्देशन एटली ने किया है जबकि एस जी एस इंटरटेनमेंट के तहत बैनर बैनर तले इसके निर्माण कालापति एस ओगोराम है फिल्म में मुख्य अभिनय विजय ने किया है और अन्य कलाकारों में नैंतरा जेके शरा विवेक और कतिर के काम किया है इसकी कहानी माइकल राइपन उर्फ बिगिल के चारों तरफ घूमती है जो एक फुटबॉल खिलाड़ी के डाकू बन जाता है और एक महिला फुटबॉल टीम को प्रशिक्षण देने का निर्णय लेता है उसे तब समस्या आती है जब उसे हिंसक पृष्ठभूमि के कारण टीम सहयोग नहीं करते स्वयं को कुछ लोगों को शिकार करना पड़ता है उसके बदला लेना चाहता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2018 में अस्थायी शिविर थाला पति तिरसठ के तहत की गई है क्योंकि यह एक अभिनेता के रूप में विजय की तिरसठवी फिल्म है जो अधिकारी सीरीज को घोषणा जून 2019 में की गई है मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2019 में शुरू हुई है इस मुख्य रूम में चेन्नई में शूट किया गया था दिल्ली में एक छोटा कार्यक्रम है अगस्त में मध्य तक पूरा हो जाएगा फिल्म में संगीत ए आर रहमान ने दिया है 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 ने किया है। और संवादन रूबेन ने किए हैं बिगिल को दिवाली के अवसर पर 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जहां एक आलोचना की काफी सकारात्मक मिली है यह फिल्म 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल भर। तमिल फिल्म बनकर उभरी है जिसमें अपने रिलीज के बाद दो तीन सौ करोड़ का कलेक्शन किया है यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म में से एक बन गई है और विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है इस समय उसे कैरियर में जब जब तक कि वारिसु और लियो दोनों 2023 दो के पीछे नहीं छोड़ दिया है फिल्म में फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को बीस को अपना 100 दिवसीय नाटकीय प्रदर्शन पूरा किया है और जी एस अवार्ड तमिल आनंद विंकेट सिने अवार्ड और तीन एडिशन अवार्ड को एसआई के प्रतीक दो पुरस्कार भी जीते हैं। माइकल रायपन चैनल में रोयापुरम एक गैंगस्टर है जो अपनी बस्ती की मदद करने के लिए काम करता है प्रतिनिधि गैंगस्टर डेनियल के साथ उसका झगड़ा चल, चल रहा है एक रात डेनियल ने माइकल को अपने करीब दोस्त कातिर को तमिल तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम में कोच है। पर हमला किया है हमले के दौरान काथिर घायल हो गए एक साल के लिए लवाग्रस्त हो गया तमिल टीम को दिल्ली में आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए काथिर ने तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन से अनुरोध किया है कि वह जगह अपने पूर्ण साथी बिगिल को वास्तव में माइकल को ले ले इस प्रकार इस मूवी की कहानी तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी आप एक बार तो एंजॉय कर ही सकते हो और टेलीविजन के अलावा यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा तो दोस्तों मिलते हूं आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मत चवेटेड मूवी बिगिल के बारे में मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी बिगिल इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है बात करें इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर की इस मूवी के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान ने दिया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के अंदर म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है जो जाने पहचाने डायरेक्टर हैं और दोस्तों इस मूवी को 77 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और दोस्तों सेवेंटी वन परसेंट रोटो टोमेटो की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई एम रीडिंग की तो दस में से सिक्स पॉइंट सेवन की दमदार रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर थालापति विजय नैन तारा अमृता अयर रेबा मोनिका जोन डेनियल बालाजी वर्ष बोलम आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं बिगिल वर्ष 2019 में जारी की गई तमिल भाषा की भारतीय फिल्म में इस फिल्म की विधा खेल और एक्शन है फिल्म का लेखक एटली ने किया है जबकि एस जी एस इंटरटेनमेंट के तहत बैनर बैनर तले इसके निर्माण कालापति एस ओगोराम है फिल्म में मुख्य अभिनय विजय ने किया है और अन्य कलाकारों में नैनरा जेके शरा विवेक और कतिर के काम किया है इसकी कहानी माइकल राइपन उर्फ बिगिल के चारों तरफ घूमती है जो एक फुटबॉल खिलाड़ी के डाकू बन जाता है और एक महिला फुटबॉल टीम को प्रशिक्षण देने का निर्णय लेता है उसे तब समस्या आती है जब उसे हिंसक पृष्ठभूमि के कारण टीम सहयोग नहीं करते स्वयं को कुछ लोगों को शिकार करना पड़ता है उसके बदला लेना चाहता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2018 में अस्थायी सिगरे तिरसठ के तहत की गई है क्योंकि यह एक अभिनेता के रूप में विजय की तिरसठवीं फिल्म है जो अधिकारी सीरीज को घोषणा जून 2019 में की गई है मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2019 में शुरू हुई है इस मुख्य रूप में चेन्नई में शूट किया गया था दिल्ली में एक छोटा कार्यक्रम है अगस्त में मध्य तक पूरा हो जाएगा फिल्म में संगीत ए आर रहमान ने दिया है है छायांकन जीके विष्णु ने किया है और संवर्धन ने किए बिगिल को दिवाली के अवसर पर 25 सप्तम्बर 2019 को रिलीज किया गया था जहां एक आलोचना तमिल बन, तमिल फिल्म बनकर उभरी है जिसमें अपने रिलीज के बाद दो तीन सौ करोड़ का कलेक्शन किया है यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म में से एक बन गई है और विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है इस समय से में जब जब तक कि वारिसु और लियो दोनों 2023 दो के पीछे नहीं छोड़ दिया है फिल्म में फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को फिल्... अपना 100 दिवसीय नाटकीय प्रदर्शन पूरा किया है और जी एस अवार्ड तमिल आनंद विंकेट सिने अवार्ड और तीन एडिशन अवार्ड को एसआई अवार्ड के प्रतीक दो पुरस्कार भी जीते हैं माइकल रायपन चैनल में रोयापुरम एक गैंगस्टर है जो अपनी जुग्गी बस्ती की मदद करने के लिए काम करता है उसका एजेंट आशीर्वादम के साथ एक अजीज रिश्ता और प्रतिद्वیدی गैंगस्टर डेनियल दे, के साथ उसका चल झगड़ा चल रहा है एक रात डेनियल ने माइकल को अपने करीब दोस्त कातिर को तमिल तमिल लाडो महिला फुटबॉल टीम में कोच कहे पर हम, हमला कर, किया है। हमले के दौरान कातिर घायल हो गए एक काल के लिए लगग्रस्त हो गया है तमिल टीम को दिल्ली में आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए काथिर ने तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन से अनुरोध किया है कि वह जगह अपने पूर्ण साथी बिगिल को वास्तव में माइकल को ले ले इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी आप एक बार तो एंजॉय कर ही सकते हो और टेलीविजन के अलावा यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मत चवेटेड मूवी बिगिल के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी बिगिल इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है बात करें इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर की तो इस मूवी के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान ने दिया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के अंदर म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है जो जाने पहचाने डायरेक्टर हैं और दोस्तों इस मूवी को 77 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस को सेवन सेवन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और दोस्तों सेवेंटी परसेंट रोटो टोमेटो की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई एम डीवी की तो 10 में से 6.7 की दमदार रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की इस मूवी के अंदर थालापति विजय नैन अमृता अयर रेबा मोनिका जोन डेनियल बालाजी वर्षा बोलम आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं बिगिल वर्ष 2019 में जारी की गई तमिल भाषा की भारतीय फिल्म है इस फिल्म की विधा खेल और एक्शन है फिल्म का लेखन निर्देशन एटली ने किया है जबकि एस जी एस एंटरटेनमेंट के तहत बैनर बैनर तले इसके निर्माण कालापति एस ओगोरम है फिल्म में मुख्य अभिनय विजय ने किया है और अन्य कलाकारों में नेंतरा जेके शरा विवेक और कती के काम किया है इसकी कहानी माइकल राइपन विगिल के चारों तरफ घूमती है जो एक फुटबॉल खिलाड़ी के डाकू बन जाता है और एक महिला फुटबॉल टीम को प्रसिद्ध देने का निर्णय लेता है उसे तब समस्या आती है जब उसे हिस्सक पृष्ठभूमि के कारण टीम सहयोग नहीं करते को कुछ लोगों को शिकार करना पड़ता उसके बदला लेना चाहता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2018 अठार में अठारह में अस्थायी पति तालापत्ती तिरसठ के तहत की गई है क्योंकि यह एक अभिनेता के रूप में विजय की तिरसठवी फिल्म है जो अधिकारी सीरीज को घोषणा जून 2019 में की गई है मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2019 में शुरू हुई है इस मुख्य रूम में चेन्नई में शूट किया गया था दिल्ली में एक छोटा कार्यक्रम है अगस्त में मध्य तक पूरा हो जाएगा फिल्म में संगीत ए आर रहमान ने दिया है छायांकर जी के विष्णु ने किया है और संवर्धन रूबेन ने किए हैं बिगिल को दिवाली के अवसर पर 25 सितंबर 2019 को रिलीज किया गया था जहां एक आलोचना काफी मिली है। यह फिल्म 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल बन, तमिल फिल्म बनकर उभरी है जिसमें अपने रिलीज के बाद दो तीन सौ करोड़ का कलेक्शन किया है यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म में से एक बन गई है और विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है इस समय से में जब जब तक कि और लियो दोनों 2023 दो के पीछे नहीं छोड़ दिया है फिल्म में फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय नाटकीय प्रदर्शन पूरा किया है और जी एस अवार्ड तमिल आनंद वेंकट अवार्ड और तीन एडिशन अवार्ड्स को एसआई अवार्ड के प्रतीक दो पुरस्कार भी जीते हैं माइकल रायपन चैनल में रोयापुरम एक गैंगस्टर है जो अपनी जुग्गी बस्ती की मदद करने के लिए काम करता है उसका एजेंट आशीर्वादम के साथ एक अजीब रिश्ता और प्रतिनिधि गैंगस्टर डेनियल दे, के साथ उसका चल झगड़ा चल रहा है एक रात डेनियल ने माइकल को अपने करीब दोस्त कातिर को तमिल तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम में कोच है पर हमला किया है। हमले के दौरान काथिर घायल हो गए एक साल के लिए लवाग्रस्त हो गया तमिल टीम को दिल्ली में आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए काथिर ने तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन से अनुरोध किया है कि वह जगह अपने पूर्ण साथी बिगिल को वास्तव में माइकल को ले ले इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी आप एक बार तो एंजॉय कर ही सकते हो वो टेलीविजन के अलावा यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा तो दोस्तों आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मत चवेटेड मूवी बिगिल के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में वीडियो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी बिगिल इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है बात करें इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर की तो इस मूवी के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान ने दिया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के अंदर म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है जो जाने पहचाने डायरेक्टर हैं और दोस्तों इस मूवी को 77 गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस सेवन सेवन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और दोस्तों सेवेंटी परसेंट रोटो टोमेटो की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई एम डीवी की तो 10 में से 6.7 की दमदार रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की की टाइम लेंथ तो यह मूवी आपको दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर थलापति विजय नैन तारा अमरता अयर रेबा मोनिका जोन डेनियल बालाजी वर्ष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। बिगिल वर्ष 2019 में जारी की गई तमिल भाषा की भारतीय फिल्म है इस फिल्म की विधा खेल और एक्शन है फिल्म का लेखन निर्देशन एटली ने किया है जबकि एस जी एस एंटरटेनमेंट के तहत बैनर बैनर तले इसके निर्माण कालापति एस ओगोराम है फिल्म में मुख्य अभिनय विजय ने किया है और अन्य कलाकारों में नेंतरा जेके शराब विवेक और कतिर के काम किया है इसकी कहानी माइकल राइपन उर्फ बिगिल के चारों तरफ घूमती है जो एक फुटबॉल खिलाड़ी के डाकू बन जाता है और एक महिला फुटबॉल टीम को प्रसिद्ध देने का निर्णय लेता है उसे तब समस्या आती है जब उसे हिंसक पृष्ठभूमि के कारण टीम सहयोग नहीं करते स्वयं को कुछ लोगों को शिकार करना पड़ता है उसके बदला लेना चाहता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2018 में अठारह में अस्थायी शीघ्रपति तिरसठ के तहत की गई है क्योंकि यह एक अभिनेता के रूप में विजय की तिरसठवीं फिल्म है जो आधिकारिक सीरीज को घोषणा जून 2019 में की गई है मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2019 में शुरू हुई है इस मुख्य रूप में चेन्नई में शूट किया गया था दिल्ली में एक छोटा कार्यक्रम है अगस्त में मध्य तक पूरा हो जाएगा फिल्म में संगीत ए आर रहमान ने दिया है है छायांकन अंकल जी के विष्णु ने किया और सवादन रूबेन ने किए हैं बिगिल को दिवाली के अवसर पर 25 सितंबर 2019 को रिलीज किया गया था जहां एक आलोचना की काफी सकारात्मक मिली है यह फिल्म 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल बन... तमिल फिल्म बनकर उभरी है जिसमें अपने रिलीज के बाद 300 करोड़ का कलेक्शन किया है यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई है और विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है इस समय उसे करियर में जब जब तक कि वारिस और लियो दोनों 2023 दो के पीछे नहीं छोड़ दिया है फिल्म में फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय नाटकीय प्रदर्शन पूरा किया है और जी एस अवार्ड तमिल आनंद विंकेट सिनेमा अवार्ड और तीन एडिशन अवार्ड्स को एसआई अवार्ड के प्रतीक दो पुरस्कार भी जीते हैं माइकल रायपन चैनल में रोयापुरम एक गैंगस्टर है जो अपनी बस्ती की मदद करने के लिए काम करता है उसका आशीर्वादम के साथ एक रिश्ता और प्रतिनिधि गैंगस्टर डेनियल दे, के साथ उसका झगड़ा चल, चल रहा है एक रात डेनियल ने माइकल को अपने करीब दोस्त कातिर को तमिल तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम में कोच कहे पर हम, हमला कर, किया है हमले के दौरान काथिर घायल हो गए एक साल के लिए लवाग्रस्त हो गया है। तमिल टीम को दिल्ली में आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए ने तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन से अनुरोध किया है कि वह जगह अपने पूर्ण साथी बिगिल को वास्तव में माइकल को ले ले इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है हाँ, दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी आप एक बार तो एंजॉय कर ही सकते हो और टेलीविजन के अलावा यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिए अगर दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मत अवेटेड मूवी बिगल के बारे में ते कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी बिगिल इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है बात करें इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर की इस मूवी के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान ने दिया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के अंदर म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है जो जाने पहचाने डायरेक्टर हैं और दोस्तों इस को मूवी को परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और दोस्तों मूवी वन परसेंट रोटो टोमेटो की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई एम की तो 10 में से 6.7 की दमदार रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की इस मूवी के अंदर थालापति विजय नैन अमृता अमरता अयर रेबा मोनिका जोन डेनियल बालाजी वर्ष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। बिगिल वर्ष 2019 में जारी की गई तमिल भाषा की भारतीय फिल्म में इस फिल्म की विधा खेल और एक्शन है फिल्म का लेखक निर्देशन एटली ने किया है जबकि एस जी एस एंटरटेनमेंट के तहत बैनर बैनर तले इसके निर्माण कालापति एस ओगोराम है फिल्म में मुख्य अभिनय विजय ने किया है और अन्य कलाकारों में नेंतरा जेके शराब विवेक और कतीर के काम किया है इसकी कहानी माइकल राइपन उर्फ बिगिल के चारों तरफ घूमती है जो एक फुटबॉल खिलाड़ी के डाकू बन जाता है और एक महिला फुटबॉल टीम को पसंद देने का निर्णय लेता है उसे तब समस्या आती है जब उसे हिंसक पृष्ठभूमि के कारण टीम सहयोग नहीं करते कुछ लोगों को स्वीकार करना पड़ता उसके बदला लेना चाहता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2018 में अठारह में अस्थायी पति तालापति तिरसठ के तहत की गई है क्योंकि यह एक अभिनेता के रूप में विजय की तिरसठवी फिल्म है जो अधिकारी सीरीज को घोषणा जून 2019 में की गई है मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2019 में शुरू हुई है इस मुख्य रूम में चेन्नई में शूट किया गया था दिल्ली में एक छोटा कार्यक्रम है अगस्त में मध्य तक पूरा हो जाएगा फिल्म में संगीत एआर रहमान ने दिया है छायांकन जीके विष्णु ने किया है और संवादन रूबेन ने किए हैं बिगिल को दिवाली के अवसर पर 25 सितंबर 2019 को रिलीज किया गया था जहां एक आलोचकों की काफी सकारात्मक मिली है यह फिल्म 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल भर... तमिल फिल्म बनकर उभरी है जिसमें अपने रिलीज के बाद दो तीन सौ करोड़ का कलेक्शन किया है यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म में से एक बन गई है और विजय की सबसे ज्यादा जब, जब दो के पीछे नहीं छोड़ दिया है फिल्म में। फिल्म ने एक दो फरवरी 2020 को फिल्म अपना सौ दिवसीय नाट्य प्रदर्शन पूरा किया है और जी एस अवार्ड तमिल आनंद वेंकट अवार्ड और तीन एडिशन अवार्ड को एसआई अवार्ड के प्रतीक दो पुरस्कार भी जीते हैं माइकल रायपन चैनल में रोयापुरम एक गैंगस्टर है जो अपनी झुग्गी बस्ती की मदद करने के लिए काम करता है उसका एजिल आशीर्वादम के साथ एक अजीब रिश्ता और प्रतिद्वیدی गैंगस्टर डेनियल दे, के साथ उसका झगड़ा चल, चल रहा है एक रात डेनियल ने माइकल को अपने करीब दोस्त कातील को तमिल तमिल महिला फुटबॉल टीम में कोच कहे पर हम हमला किया है। हमले के दौरान काथिर घायल हो गए एक साल के लिए लवाग्रस्त हो गया तमिल टीम को दिल्ली में आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए काथिर ने तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन से अनुरोध किया है कि वह जगह अपने पूर्ण साथी बिगिल को वास्तव में माइकल को ले ले इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी आप एक बार तो एंजॉय कर ही सकते हो और टेलीविजन के अलावा यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मत चवेटेड मूवी बिगिल के बारे में ते मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी बिगिल इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है बात करें इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर की इस मूवी के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान ने दिया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के अंदर म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है जो जाने पहचाने डायरेक्टर हैं और दोस्तों इस मूवी को 77 गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77 गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और दोस्तों 71 वन रोटो टोमेटो की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग की तो 10 में से 6.7 की दमदार रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की की टाइम लेंथ तो यह मूवी आपको दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी घंटा मिनट के करीब देखने को मिलेगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की इस मूवी के अंदर थालापति विजय नैन अमृता अयर रेबा मोनिका जोन डेनियल बालाजी वर्षा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं बिगिल वर्ष 2019 में जारी की गई तमिल भाषा की भारतीय फिल्म में इस फिल्म की विधा खेल और एक्शन है फिल्म का लेखन निर्देशन एटली ने किया है जबकि एस जी एस इंटरटेनमेंट के तहत बैनर बैनर तले इसके निर्माण कालापति एस ओगोराम है फिल्म में मुख्य अभिनय विजय ने किया है और अन्य कलाकारों में नेंतरा, जेके शराब विवेक और कतर के काम किया है इसकी कहानी माइकल राइपन विगिल के चारों तरफ घूमती है जो एक फुटबॉल खिलाड़ी के डाकू बन जाता है और एक महिला फुटबॉल टीम को प्रसिद्ध देने का निर्णय लेता है उसे तब समस्या आती है जब उसे हिंसक पृष्ठभूमि के कारण टीम सहयोग नहीं करतेम को कुछ लोगों को शिकार करना पड़ता है उसके बदला लेना चाहता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवम्बर दो हजार अठारह में अस्थायी तिरसठ के तहत की गई है क्योंकि यह एक अभिनेता के रूप में विजय की तिरसठवीं फिल्म है जो आधिकारिक को घोषणा जून 2019 में की गई है मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2019 में शुरू हुई है इस मुख्य रूप में चेन्नई में शूट किया गया था दिल्ली में एक छोटा कार्यक्रम है अगस्त में मध्य तक पूरा हो जाएगा फिल्म में संगीत ए आर रहमान ने दिया है है छायांकन जी के विष्णु ने किया और रूबेन के अवसर पर 25 2019 को रिलीज किया गया उभरी है, तमिल तमिल है। जिसमें अपने रिलीज के बाद दो तीन सौ करोड़ का कलेक्शन किया है यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म में से एक बन गई है और विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है इस समय उसे कैरियर में जब जब तक कि और लियो दोनों 2023 दो के पीछे नहीं छोड़ दिया है फिल्म में फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय नाटकीय प्रदर्शन पूरा किया है और जी एस अवार्ड तमिल आनंद वेंकट अवार्ड और तीन एडिशन अवार्ड को एसआई अवार्ड के प्रतीक दो पुरस्कार भी जीते हैं माइकल रायपन चैनल में रोयापुरम एक गैंगस्टर है जो अपनी जुग्गी बस्ती की मदद करने के लिए काम करता है उसका एजेंट आशीर्वादम के साथ एक अजीज रिश्ता और प्रतिदीदी गैंगस्टर डेनियल दे, के साथ उसका चल झगड़ा चल रहा है एक रात डेनियल ने माइकल को अपने करीब दोस्त कातिर को तमिल तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम में कोच कहे पर हम, हमला कर, किया है। हमले के दौरान काफिर घायल हो गए एक साल के लिए लवाग्रस्त हो गया तमिल टीम को दिल्ली में आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए काथिर ने तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन से अनुरोध किया है कि वह जगह अपने पूर्ण साथी बिगिल को वास्तव में माइकल को ले ले इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी आप एक बार तो एंजॉय कर ही सकते हो वो टेलीविजन के अलावा यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मच चवेटेड मूवी बिगिल के बारे में तो मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में वीडियो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी बिगिल इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है बात करें इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर की इस मूवी के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान ने दिया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के अंदर म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है जो जाने पहचाने डायरेक्टर है और दोस्तों इस मूवी को 77% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और दोस्तों 71% रोटो रोटोमैटेओज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के आईएमडी रेटिंग की तो 10 में से 6.7 की दमदार रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की इस मूवी के अंदर थलापति विजय नैन अमृता अयर रेबा मोनिका जोन डेनियल बालाजी वर्ष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं बिगिल वर्ष 2019 में जारी की गई तमिल भाषा की भारतीय फिल्म है इस फिल्म की विधा खेल और एक्शन है फिल्म का लेखन निर्देशन एटली ने किया है जबकि एच जी एस एंटरटेनमेंट के तहत बैनर बैनर तले इसके निर्माण कालापति एस ओगोराम है फिल्म में मुख्य अभिनय विजय ने किया है और अन्य कलाकारों में नेंतरा जेके शरा विवेक और कतिर के काम किया है इसकी कहानी माइकल राइपन उर्फ बिगिल के चारों तरफ घूमती है जो एक फुटबॉल खिलाड़ी के डाकू बन जाता है और एक महिला फुटबॉल टीम को प्रसिद्ध देने का निर्णय लेता है उसे तब समस्या आती है जब उसे हिस्से पृष्ठभूमि के कारण टीम सहयोग नहीं करते स्वयं को कुछ लोगों को शिकार करना पड़ता है उसके बदला लेना चाहता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2018 में दो हजार अठारह में के तहत की गई है क्योंकि यह एक अभिनेता के रूप में विजय की तिरसठवीं फिल्म है जो सीरीज को घोषणा जून 2019 में की गई है मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2019 में शुरू हुई है इस मुख्य रूप में चेन्नई में शूट किया गया था दिल्ली में एक छोटा कार्यक्रम है अगस्त में मध्य तक पूरा हो जाएगा फिल्म में संगीत ए आर रहमान ने दिया है है छायांका जी के ने किया है और संवादन रूबेन ने किए हैं बिगिल को दिवाली के अवसर पर 25 सितंबर 2019 को रिलीज किया गया था जहां एक आलोचना की काफी सकारात्मक मिली है यह फिल्म 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल भर। तमिल फिल्म बनकर उभरी है जिसमें अपने रिलीज के बाद दो तीन सौ करोड़ का कलेक्शन किया है यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म में से एक बन गई है और विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है इस समय उसे कैरियर में जब जब तक कि और लियो दोनों 2023 दो के पीछे नहीं छोड़ दिया है फिल्म में फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को बीस को अपना 100 दिवसीय नाटकीय प्रदर्शन पूरा किया है और जी एस अवार्ड तमिल आनंद विंकेट सिने अवार्ड और तीन एडिशन अवार्ड को एसआई अवार्ड के प्रतीक दो पुरस्कार भी जीते हैं माइकल रायपन चैनल में रोयापुरम एक गैंगस्टर है जो अपनी जुग्गी बस्ती की मदद करने के लिए काम करता है उसका एजेंट आशीर्वादम के साथ एक अजीज रिश्ता और प्रतिनिधि गैंगस्टर डेनियल दे, के साथ उसका चल झगड़ा चल रहा है एक रात डेनियल ने माइकल को अपने करीब दोस्त कातिर को तमिल तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम में कोच पर हम, हमला किया है। हमले के दौरान काथिर घायल हो गए एक साल के लिए लवाग्रस्त हो गया है तमिल टीम को दिल्ली में आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए काथिर ने तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन से अनुरोध किया है कि वह जगह अपने पूर्ण साथी बिगिल को वास्तव में माइकल को ले ले इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी आप एक बार तो एंजॉय कर ही सकते हो और टेलीविजन के अलावा यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा तो दोस्तों मिलते अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मत चवेटेड मूवी बिगिल के बारे में तो मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में ते वीडियो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस, तो इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी बिगिल इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने हाँ <गराय Elliot> दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है बात yes? करें इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर की इस मूवी के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान ने दिया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के अंदर म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है जो जाने पहचाने डायरेक्टर हैं और दोस्तों इस मूवी को 77 गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77 गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और दोस्तों 71 परसेंट रोटो टोमेटो की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई एम की तो 10 में से 6.7 की दमदार रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की इस मूवी के अंदर थालापति विजय नैन अमृता अयर रेबा मोनिका जोन डेनियल बालाजी वर्ष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। बिगिल वर्ष 2019 में जारी की गई तमिल भाषा की भारतीय फिल्म में इस फिल्म की विधा खेल और एक्शन है फिल्म का लेखक निर्देशन एटली ने किया है जबकि एस जी एस एंटरटेनमेंट के तहत बैनर बैनर तले इसके निर्माण कालापति एस ओगोराम है फिल्म में मुख्य अभिनय विजय ने किया है और अन्य कलाकारों में नेंतरा, जेके शरा विवेक और कतिर के काम किया है इसकी कहानी माइकल राइपन उर्फ बिगिल के चारों तरफ घूमती है जो एक फुटबॉल खिलाड़ी के डाकू बन जाता है और एक महिला फुटबॉल टीम को पसंद देने का निर्णय लेता है उसे तब समस्या आती है जब उसे हिंसक पृष्ठभूमि के कारण टीम सहयोग नहीं करते को कुछ लोगों को शिकार करना पड़ता है उसके बदला लेना चाहता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2018 हजार अठारह में अस्थायी शिग्रस तालापति तिरसठ के तहत की गई है क्योंकि यह एक अभिनेता के रूप में विजय की तिरसठवीं फिल्म है जो आधिकारिक को घोषणा जून 2019 में की गई है मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2019 में शुरू हुई है इस मुख्य रूप में चेन्नई में शूट किया गया था दिल्ली में एक छोटा कार्यक्रम है अगस्त में मध्य तक पूरा हो जाएगा फिल्म में संगीत ए आर रहमान ने दिया है है जी के विष्णु ने किया और संवादन रूबेन ने किए है बिगिल को दिवाली के अवसर पर 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जहां एक आलोचना की काफी सकारात्मक मिली है यह फिल्म 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल भर। तमिल फिल्म बनकर उभरी है जिसमें अपने रिलीज के बाद दो तीन सौ करोड़ का कलेक्शन किया है यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म में से एक बन गई है और विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है इस समय उसे कैरियर में जब जब तक कि वारिस और लियो दोनों 2023 दो के पीछे नहीं छोड़ दिया है फिल्म में फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को बीस को अपना 100 दिवसीय नाटकीय प्रदर्शन पूरा किया है और जी एस अवार्ड तमिल आनंद विंकेट सिने अवार्ड और तीन एडिशन अवार्ड को एसआई अवार्ड के प्रतीक दो पुरस्कार भी जीते हैं माइकल रायपन चैनल में रोयापुरम एक गैंगस्टर है जो अपनी जुग्गी बस्ती की मदद करने के लिए काम करता है उसका एजल आशीर्वादम के साथ एक अजीज रिश्ता और प्रतिदिधि गैंगस्टर डेनियल दे, के साथ उसका चल झगड़ा चल रहा है एक रात डेनियल ने माइकल को अपने करीब दोस्त कातिर को तमिल तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम में कोच है पर हम, हमला किया है। हमले के दौरान काथिर घायल हो गए एक साल के लिए लवाग्रस्त हो गया तमिल टीम को दिल्ली में आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए काथिर ने तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन से अनुरोध किया है कि वह जगह अपने पूर्ण साथी बिगिल को वास्तव में माइकल को ले ले इस प्रकार इस मूवी की कहानी तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी आप एक बार तो एंजॉय कर ही सकते हो और टेलीविजन के अलावा यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा तो दोस्तों मिलते हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मच अवेटेड मूवी बिगिल के बारे में मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी बिगिल इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है बात करें इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर की इस मूवी के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान ने दिया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के अंदर म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है जो जाने पहचाने डायरेक्टर हैं और दोस्तों इस मूवी को 77 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और दोस्तों सेवेंटी वन परसेंट रोटो टोमेटो की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई एम रीडिंग की तो दस में से सिक्स पॉइंट सेवन की दमदार रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की इस मूवी के अंदर थालापति विजय नैन तारा अमृता अयर रेबा मोनिका जोन डेनियल बालाजी वर्ष बुलम आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं बिगिल वर्ष 2019 में जारी की गई तमिल भाषा की भारतीय फिल्म में इस फिल्म की विधा खेल और एक्शन है फिल्म का लेखक एटली ने किया है जबकि एस जी एस इंटरटेनमेंट के तहत बैनर बैनर तले इसके निर्माण कालापति एस ओगोराम है फिल्म में मुख्य अभिनय विजय ने किया है और अन्य कलाकारों में नैनरा जेके शरा विवेक और कतिर के काम किया है इसकी कहानी माइकल राइपन उर्फ बिगिल के चारों तरफ घूमती है जो एक फुटबॉल खिलाड़ी के डाकू बन जाता है और एक महिला फुटबॉल टीम को प्रशिक्षण देने का निर्णय लेता है उसे तब समस्या आती है जब उसे हिंसक पृष्ठभूमि के कारण टीम सहयोग नहीं करते को कुछ लोगों को शिकार करना पड़ता है उसके बदला लेना चाहता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2018 में अस्थायी शिग्रस पति तिरसठ के तहत की गई है क्योंकि यह एक अभिनेता के में की तिरसठवी फिल्म है जो अधिकारी घोषणा जून 2019 में की गई है मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2019 में शुरू हुई है इस मुख्य रूप में चेन्नई में शूट किया गया था दिल्ली में एक छोटा कार्यक्रम है अगस्त में मध्य तक पूरा हो जाएगा फिल्म में संगीत ए आर रहमान ने दिया है छायांकर जी के विष्णु ने किए है और संवर्धन ने किए बिगिल को दिवाली के अवसर पर 25 अपटर 2019 को रिलीज किया गया था जहां एक आलोचना तमिल बन, तमिल फिल्म बनकर उभरी है जिसमें अपने रिलीज के बाद दो तीन सौ करोड़ का कलेक्शन किया है यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म में से एक बन गई है और विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है इस समय से कैरियर में जब जब तक कि वारिसु और लियो दोनों 2023 दो के पीछे नहीं छोड़ दिया है फिल्म में फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय नाटकीय प्रदर्शन पूरा किया है और जीएस अवार्ड तमिल आनंद विंकेट सिमी अवार्ड और तीन एडिशन अवार्ड्स को एसआई अवार्ड के प्रतीक दो पुरस्कार भी जीते हैं माइकल रायपन चैनल में रोयापुरम एक गैंगस्टर है जो अपनी झुग्गी बस्ती की मदद करने के लिए काम करता है उसका एजिल आशीर्वादम के साथ एक अजीब रिश्ता और प्रतिद्वیدی गैंगस्टर डेनियल दे, के साथ उसका झगड़ा चल, चल रहा है एक रात डेनियल ने माइकल को अपने करीब दोस्त कातिर को तमिल तमिल महिला फुटबॉल टीम में कोच कहे पर हम, हमला कर, किया है। हमले के दौरान काथिर घायल हो गए एक साल के लिए लवाग्रस्त हो गया तमिल टीम को दिल्ली में आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए काथिर ने तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन से अनुरोध किया है कि वह जगह अपने पूर्ण साथी बिगिल को वास्तव में माइकल को ले ले इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है हाँ, दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी आप एक बार तो एंजॉय कर ही सकते हो वो टेलीविजन के अलावा यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मत चवेटेड मूवी बिगिल के बारे में तो मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में वीडियो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी बिगिल इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है बात करें इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर की इस मूवी के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान ने दिया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के अंदर म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है जो जाने पहचाने डायरेक्टर हैं और दोस्तों इस मूवी को 77 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और दोस्तों सेवनटी वन परसेंट रोटो टोमेटो की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग की तो 10 में से 6.7 की दमदार रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की यह मूवी आपको दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की इस मूवी के अंदर थालापति विजय नैन अमृता अयर रेबा मोनिका जोन डेनियल बालाजी वर्षा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं बिगिल वर्ष 2019 में जारी की गई तमिल भाषा की भारतीय फिल्म है इस फिल्म की विधा खेल और एक्शन है फिल्म का लेखक निर्देशन एटली ने किया है जबकि एस जी एस एंटरटेनमेंट के तहत बैनर बैनर तले इसके निर्माण कालापति एस ओगोराम है फिल्म में मुख्य अभिनय विजय ने किया है और अन्य कलाकारों में नेंतरा जेके विवेक और कतिर के काम किया है इसकी कहानी माइकल राइपन उगिल के चारों तरफ घूमती है जो एक फुटबॉल खिलाड़ी के डाकू बन जाता है और एक महिला फुटबॉल टीम को प्रसिद्ध देने का निर्णय लेता है उसे तब समस्या आती है जब उसे हिंसक पृष्ठभूमि के कारण टीम सहयोग नहीं करते सुन को कुछ लोगों को शिकार करना पड़ता है उसके बदला लेना चाहता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2018 में स्थायी सिग्रेस तालापति तिरसठ के तहत की गई है क्योंकि यह एक अभिनेता के रूप में विजय की तिरसठवीं फिल्म है जो सिग्रस को घोषणा जून 2019 में की गई है मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2019 में शुरू हुई है इस मुख्य रूप में चेन्नई में शूट किया गया था दिल्ली में एक छोटा कार्यक्रम है अगस्त में मध्य तक पूरा हो जाएगा फिल्म में संगीत ए आर रहमान ने दिया है दियान है ने किया है और रूबेन ने किए हैं बिगिल को दिवाली के अवसर पर 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जहां एक आलोचना की काफी सकारात्मक मिली है यह फिल्म 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल तमिल फिल्म बनकर उभरी है जिसमे अपने रिलीज के बाद दो तीन सौ करोड़ का कलेक्शन किया है यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म में से एक बन गई है और विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है इस समय उसे कैरियर में जब जब तक कि और लियो दोनों 2023 दो के पीछे नहीं छोड़ दिया है फिल्म में फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय नाटकीय प्रदर्शन पूरा किया है और जी एस अवार्ड तमिल आनंद सिनेमा अवार्ड और तीन एडिशन अवार्ड को एसआई अवार्ड के प्रतीक दो पुरस्कार भी जीते हैं माइकल रायपन चैनल में रोयापुरम एक गैंगस्टर है जो अपनी जुग्गी बस्ती की मदद करने के लिए काम करता है उसका एजिल आशीर्वादम के साथ एक अजीज रिश्ता और प्रतिनिधि गैंगस्टर डेनियल दे, के साथ उसका चल झगड़ा चल रहा है एक रात डेनियल ने माइकल को अपने करीब दोस्त कातिर को तमिल तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम में कोच है पर हमला किया हमले के दौरान काथिर घायल हो गए एक साल के लिए लवाग्रस्त हो गया तमिल टीम को दिल्ली में आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए काथिर ने तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन से अनुरोध किया है कि वह जगह अपने पूर्ण साथी बिगिल को वास्तव में माइकल को ले ले इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है हाँ, दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी आप एक बार तो एंजॉय कर ही सकते हो वो टेलीविजन के अलावा यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मच अवेटेड मूवी बिगिल के बारे में मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रिव्यू भी दिया है वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी बिगिल इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है बात करें इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर की इस मूवी के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान ने दिया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के अंदर म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है जो जाने पहचाने डायरेक्टर हैं और दोस्तों इस मूवी को 77 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और दोस्तों सेवेंटी वन परसेंट रोटो टोमेटो की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई एम डिवी की तो दस में से सिक्स पॉइंट सेवन की दमदार रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की इस मूवी के अंदर थालापति विजय नैन अमृता अयर रेबा मोनिका जोन डेनियल बालाजी वर्ष बोलम आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं बिगिल वर्ष 2019 में जारी की गई तमिल भाषा की भारतीय फिल्म है इस फिल्म की विधा खेल और एक्शन है फिल्म का लेखक निर्देशन एटली ने किया है जबकि एस जी एस इंटरटेनमेंट के तहत बैनर बैनर तले इसके निर्माण कालापति एस ओगोराम है फिल्म में मुख्य अभिनय विजय ने किया है और अन्य कलाकारों में ना जेके शरा विवेक और कतिर के काम किया है इसकी कहानी माइकल राइपन उर्फ बिगिल के चारों तरफ घूमती है जो एक फुटबॉल खिलाड़ी के डाकू बन जाता है और एक महिला फुटबॉल टीम को प्रशिक्षित देने का निर्णय लेते हैं उसे तब समस्या आती है जब उसे हिंसक पृष्ठभूमि के कारण टीम सहयोग नहीं करते को कुछ लोगों को शिकार करना पड़ता है उसके बदला लेना चाहता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2018 में स्थायी सिगरेट थालापत्ती तिरसठ के तहत की गई है क्योंकि यह एक अभिनेता के रूप में विजय की तिरसठवीं फिल्म है जो अधिकारी घोषणा जून 2019 में की गई है मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2019 में शुरू हुई है इस मुख्य रूप में चेन्नई में शूट किया गया था दिल्ली में एक छोटा कार्यक्रम है अगस्त में मध्य तक पूरा हो जाएगा फिल्म में संगीत ए आर रहमान ने दिया है है छायांकन जी के विष्णु ने किया है और संवादन रूबेन ने किए हैं बिगिल को दिवाली के अवसर पर 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जहां एक आलोचना काफी सकारात्मक मिली है यह फिल्म 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल बन, तमिल फिल्म बनकर उभरी है जिसमें अपने रिलीज के बाद दो तीन सौ करोड़ का कलेक्शन किया है यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म में से एक बन गई है और विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है इस समय से में जब जब तक कि और लियो दोनों 2023 दो के पीछे नहीं छोड़ दिया है फिल्म में फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को अपना 100 दिवसीय नाटकीय प्रदर्शन पूरा किया है और जी एस अवार्ड तमिल आनंद विंकेट सिनेमा अवार्ड और तीन एडिशन अवार्ड्स को एसआई अवार्ड के प्रतीक दो पुरस्कार भी जीते हैं माइकल रायपन चैनल में रोयापुरम एक गैंगस्टर है जो अपनी जुग्गी बस्ती की मदद करने के लिए काम करता है उसका एजेंट आशीर्वादम के साथ एक अजीज रिश्ता और प्रतिनिधि गैंगस्टर डेनियल दे, के साथ उसका चल झगड़ा चल रहा है एक रात डेनियल ने माइकल को अपने करीब दोस्त कातिर को तमिल तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम में कोच कहे पर हम, हमला किया है। हमले के दौरान काथिर घायल हो गए एक साल के लिए लाग्रस्त हो गया है। तमिल टीम को दिल्ली में आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए ने तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन से अनुरोध किया है कि वह जगह अपने पूर्ण साथी बिगिल को वास्तव में माइकल को ले ले इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी आप एक बार तो एंजॉय कर ही सकते हो और टेलीविजन के अलावा यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा तो दोस्तों मिलते हूं आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मत चवेटेड मूवी बिगिल के बारे में मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी बिगिल इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है बात करें इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर की इस मूवी के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान ने दिया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के अंदर म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है जो जाने पहचाने डायरेक्टर हैं और दोस्तों इस मूवी को 77% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और दोस्तों 71% रोटो रोटोमैटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के आईएमडी रेटिंग की तो 10 में से 6.7 की दमदार रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की यह मूवी आपको दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की इस मूवी के अंदर थालापति विजय नैन अमृता अमरता अयर रेबा मोनिका जोन डेनियल बालाजी वर्ष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। बिगिल वर्ष 2019 में जारी की गई तमिल भाषा की भारतीय फिल्म में इस फिल्म की विधा खेल और एक्शन है फिल्म का लेखक निर्देशन एटली ने किया है जबकि एस जी एस एंटरटेनमेंट के तहत बैनर बैनर तले इसके निर्माण कालापति एस ओगोराम है फिल्म में मुख्य अभिनय विजय ने किया है और अन्य कलाकारों में नेंतरा जेके शराब विवेक और कतीर के काम किया है इसकी कहानी माइकल राइपन उर्फ बिगिल के चारों तरफ घूमती है जो एक फुटबॉल खिलाड़ी के डाकू बन जाता है और एक महिला फुटबॉल टीम को प्रसिद्ध देने का निर्णय लेता है उसे तब समस्या आती है जब उसे हिंसक के कारण टीम सहयोग करते सुम को कुछ लोगों को स्वीकार करना पड़ता उसके बदला लेना चाहता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2018 में अस्थायी सिगरे तालापति तिरठ के तहत की गई है क्योंकि यह एक अभिनेता के रूप में विजय की तिरसठवी फिल्म है जो अधिकारी सीरीज को घोषणा जून 2019 में की गई है मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2019 में शुरू हुई है इस मुख्य रूम में चेन्नई में शूट किया गया था दिल्ली में एक छोटा कार्यक्रम है अगस्त में मध्य तक पूरा हो जाएगा फिल्म में संगीत ए आर रहमान ने दिया है छायांकन जी के विष्णु ने किया है और संवादन रूबेन ने किए हैं बिगिल को दिवाली के अवसर पर 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जहां एक आलोचना की काफी सकारात्मक मिली है यह फिल्म 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल तमिल फिल्म बनकर उभरी है जिसमें अपने रिलीज के बाद दो तीन सौ करोड़ का कलेक्शन किया है यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म में से एक बन गई है और विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है इस समय उसे कैरियर में जब जब तक कि वारिस और लियो दोनों 2023 दो के पीछे नहीं छोड़ दिया है फिल्म में फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को बीस को अपना 100 दिवसीय नाटकीय प्रदर्शन पूरा किया है और जी एस अवार्ड तमिल आनंद विंकेट सिने अवार्ड और तीन एडिशन अवार्ड को एसआई अवार्ड के प्रतीक दो पुरस्कार भी जीते हैं माइकल रायपन चैनल में रोयापुरम एक गैंगस्टर है जो अपनी जुग्गी बस्ती की मदद करने के लिए काम करता है उसका एजन आशीर्वादम के साथ एक अजीज रिश्ता और प्रतिदीदी गैंगस्टर डेनियल दे, के साथ उसका झगड़ा चल, चल, रहा है एक रात डेनियल ने माइकल को अपने करीब दोस्त कातिर को तमिल तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम में कोच कहे पर हमला किया है। हमले के दौरान काथिर घायल हो गए एक साल के लिए लवाग्रस्त हो गया तमिल टीम को दिल्ली में आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए काथिर ने तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन से अनुरोध किया है कि वह जगह अपने पूर्ण साथी बिगिल को वास्तव में माइकल को ले ले इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी आप एक बार तो एंजॉय कर ही सकते हो और टेलीविजन के अलावा यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मत अवेटेड मूवी बिगिल के बारे में मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी बिगिल इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है बात करें इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर की इस मूवी के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान ने दिया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के अंदर म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है जो जाने पहचाने डायरेक्टर हैं और दोस्तों इस मूवी को 77 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और दोस्तों सेवनटी वन परसेंट रोटो टोमेटो की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग की तो 10 में से 6.7 की दमदार रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की इस मूवी के अंदर थालापति विजय नैन अमृता अयर रेबा मोनिका जोन डेनियल बालाजी वर्षा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं बिगिल वर्ष 2019 में जारी की गई तमिल भाषा की भारतीय फिल्म है इस फिल्म की विधा खेल और एक्शन है फिल्म का लेखन निर्देशन एटली ने किया है जबकि एस जी एस इंटरटेनमेंट के तहत बैनर बैनर तले इसके निर्माण कालापति एस ओगोराम है फिल्म में मुख्य अभिनय विजय ने किया है और अन्य कलाकारों में नेंतरा, जेके शराब विवेक और कतर के काम किया है इसकी कहानी माइकल राइपन उगिल के चारों तरफ घूमती है जो एक फुटबॉल खिलाड़ी के डाकू बन जाता है और एक महिला फुटबॉल टीम को प्रसिद्ध देने का निर्णय लेता है उसे तब समस्या आती है जब उसे हिस्से पृष्ठभूमि के कारण टीम सहयोग नहीं करतेम को कुछ लोगों को शिकार करना पड़ता है उसके बदला लेना चाहता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवम्बर दो हजार अठारह में अस्थायी तिरसठ के तहत की गई है क्योंकि यह एक अभिनेता के रूप में विजय की तिरसठवीं फिल्म है जो आधिकारिक को घोषणा जून 2019 में की गई है मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2019 में शुरू हुई है इस मुख्य रूप में चेन्नई में शूट किया गया था दिल्ली में एक छोटा कार्यक्रम है अगस्त में मध्य तक पूरा हो जाएगा फिल्म में संगीत ए आर रहमान ने दिया है है छायांका जी के विष्णु ने किया और संवर्धन रूबेन ने किए हैं बिगिल को दिवाली के अवसर पर 25 दो 2019 को रिलीज किया गया था जहां एक आलोचना काफी सकारात्मक मिली है यह फिल्म फिल्म 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल भर... तमिल बनकर उभरी है जिसमें अपने रिलीज के बाद दो तीन सौ करोड़ का कलेक्शन किया है यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म में से एक बन गई है और विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है इस समय उसे कैरियर में जब जब तक कि और लियो दोनों 2023 के पीछे नहीं छोड़ दिया है फिल्म में फिल्म ने एक फरवरी 2020 को फिल... अपना सौ दिवसीय नाटकीय प्रदर्शन पूरा किया और जी एस अवार्ड तमिल आनंद विंकेट सिने अवार्ड और तीन एडिशन अवार्ड को एसआई अवार्ड के प्रतीक दो पुरस्कार भी जीते हैं माइकल रायपन चैनल में रोयापुरम एक गैंगस्टर है जो अपनी जुग्गी बस्ती की मदद करने के लिए काम करता है उसका एजेंट आशीर्वादम के साथ एक अजीज रिश्ता और प्रतिदीदी गैंगस्टर डेनियल दे, के साथ उसका चल झगड़ा चल रहा है एक रात डेनियल ने माइकल को अपने करीब दोस्त कातिर को तमिल तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम में कोच कहे पर हमला किया है। हमले के दौरान काथिर घायल हो गए एक साल के लिए लवाग्रस्त हो गया तमिल टीम को दिल्ली में आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए काथिर ने तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन से अनुरोध किया है कि वह जगह अपने पूर्ण साथी बिगिल को वास्तव में माइकल को ले ले इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी आप एक बार तो एंजॉय कर ही सकते हो वो टेलीविजन के अलावा यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मत चवेटेड मूवी बिगिल के बारे में तो मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में वीडियो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ, इस साथ इस से कुछ ही साथ मैंने तो इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी बिगिल इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है बात करें इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर की तो इस मूवी के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान ने दिया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के अंदर म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है जो जाने पहचाने डायरेक्टर हैं और दोस्तों इस मूवी को सेवन सेवन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और दोस्तों सेवेंटी वन परसेंट रोटो टोमेटो की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई एम डीवी की तो 10 में से 6.7 की दमदार रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की यह मूवी आपको दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो इस मूवी के अंदर थलापति विजय नैन अमृता अयर रेबा मोनिका जोन डेनियल बालाजी वर्ष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। बिगिल वर्ष 2019 में जारी की गई तमिल भाषा की भारतीय फिल्म है इस फिल्म की विधा खेल और एक्शन है फिल्म का लेखन निर्देशन एटली ने किया है जबकि एच जी एस एंटरटेनमेंट के तहत बैनर बैनर तले इसके निर्माण कालापति एस ओगोराम है फिल्म में मुख्य अभिनय विजय ने किया है और अन्य कलाकारों में नेंतरा जेके नियंत्रण विवेक और कतिर के काम किया है इसकी कहानी माइकल राइपन उर्फ बिगिल के चारों तरफ घूमती है जो एक फुटबॉल खिलाड़ी के डाकू बन जाता है और एक महिला फुटबॉल टीम को प्रसिद्ध देने का निर्णय लेता है उसे तब समस्या आती है जब उसे हिस्से पृष्ठभूमि के कारण टीम सहयोग नहीं करते स्वयं को कुछ लोगों का शिकार करना पड़ता है उसके बदला लेना चाहता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2018 में दो हजार अठारह में के तहत की गई है क्योंकि यह एक अभिनेता के में विजय की तिरसठवीं फिल्म है जो आधिकारिकीस को घोषणा जून 2019 में की गई है मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2019 में शुरू हुई है इस मुख्य रूप में चेन्नई में शूट किया गया था दिल्ली में एक छोटा कार्यक्रम है अगस्त में मध्य तक पूरा हो जाएगा फिल्म में संगीत ए आर रहमान ने दिया है, है छाया अंका जी ने किया है और संवादन रूबेन ने किए हैं बिगिल को दिवाली के अवसर पर 25 सितंबर 2019 को रिलीज किया गया था जहां एक आलोचना की काफी सकारात्मक मिली है यह फिल्म 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल भर। तमिल फिल्म बनकर उभरी है जिसमें अपने रिलीज के बाद दो तीन सौ करोड़ का कलेक्शन किया है यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म में से एक बन गई है और विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है इस समय उसे कैरियर में जब जब तक कि वारिस और लियो दोनों 2023 दो के पीछे नहीं छोड़ दिया है फिल्म में फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को बीस को अपना 100 दिवसीय नाटकीय प्रदर्शन पूरा किया है और जी एस अवार्ड तमिल आनंद विंकेट सिने अवार्ड और तीन एडिशन अवार्ड को एसआई अवार्ड के प्रतीक दो पुरस्कार भी जीते हैं माइकल रायपन चैनल में रोयापुरम एक गैंगस्टर है जो अपनी जुग्गी बस्ती की मदद करने के लिए काम करता है उसका एजेंट आशीर्वादम के साथ एक अजीज रिश्ता और प्रतिनिधि गैंगस्टर डेनियल दे, के साथ उसका चल झगड़ा चल रहा है एक रात डेनियल ने माइकल को अपने करीब दोस्त कातिर को तमिल तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम में कोच पर हम, हमला किया है। हमले के दौरान काथिर घायल हो गए एक साल के लिए लावाग्रस्त हो गया है तमिल टीम को दिल्ली में आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए काथिर ने तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन से अनुरोध किया है कि वह जगह अपने पूर्ण साथी बिगिल को वास्तव में माइकल को ले ले इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी आप एक बार तो एंजॉय कर ही सकते हो वो टेलीविजन के अलावा यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा तो दोस्तों मिलते हूं आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मत अवेटेड मूवी बिगिल के बारे में तो मूवी कौन सी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी बिगिल इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है बात करें इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर की इस मूवी के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान ने दिया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के अंदर म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है जो जाने पहचाने डायरेक्टर हैं और दोस्तों इस मूवी को 77 गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है आ, दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस सेवन सेवन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और दोस्तों सेवेंटी परसेंट रोटो टोमेटो की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई एम डीवी की तो 10 में से 6.7 की दमदार रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की की टाइम लेंथ यह मूवी आपको दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने, हाँ, देखने को मिलेगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की इस मूवी के अंदर थलापति विजय नैन तारा अमरता अयर रेबा मोनिका जोन डेनियल बालाजी वर्ष बोलम आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। बिगिल वर्ष 2019 में जारी की गई तमिल भाषा की भारतीय फिल्म में इस फिल्म की विधा खेल और एक्शन है फिल्म का लेखक निर्देशन एटली ने किया है जबकि एजीएस जी एस एंटरटेनमेंट के तहत बैनर तलेब इसके निर्माण कालापति एस ओगोराम है फिल्म में मुख्य अभिनय विजय ने किया है और अन्य कलाकारों में नेंतरा जेके शरा विवेक और कतीर के काम किया है इसकी कहानी माइकल राइपन उर्फ बिगिल के चारों तरफ घूमती है जो एक फुटबॉल खिलाड़ी के डाकू बन जाता है और एक महिला फुटबॉल टीम को प्रसिद्ध देने का निर्णय लेता है उसे तब समस्या आती है जब उसे हिंसक पृष्ठभूमि के कारण टीम सहयोग नहीं करते सुन को कुछ लोगों को शिकार करना पड़ता है उसके बदला लेना चाहता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2018 में अठारह में अस्थायी शीघ्रपति तिरसठ के तहत की गई है क्योंकि यह एक अभिनेता के रूप में विजय की तिरसठवीं फिल्म है जो आधिकारिक सीरीज को घोषणा जून 2019 में की गई है मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2019 में शुरू हुई है इस मुख्य रूप में चेन्नई में शूट किया गया था दिल्ली में एक छोटा कार्यक्रम है अगस्त में मध्य तक पूरा हो जाएगा फिल्म में संगीत ए आर रहमान ने दिया है है छायांकन जी के विष्णु ने किया है और संवर्धन रूबेन ने किए हैं बिगिल को दिवाली के अवसर पर तमिल, तमिल फिल्म बनकर उभरी है जिसमें अपने रिलीज के बाद दो तीन सौ करोड़ का कलेक्शन किया है यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म में से एक बन गई है और विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है इस समय उसे कैरियर में जब जब तक कि वारिसू और लियो दोनों 2023 दो के पीछे नहीं छोड़ दिया है फिल्म में फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को फिल, अपना 100 दिवसीय नाटकीय प्रदर्शन पूरा किया है और जी एस अवार्ड तमिल आनंद विंकेट सिने अवार्ड और तीन एडिशन अवार्ड्स को एसआई के दो पुरस्कार भी जीते हैं। माइकल रायपन चैनल में रोयापुरम एक गैंगस्टर है जो अपनी बस्ती की मदद करने के लिए काम करता है उसका आशीर्वादम के साथ एक अजीज रिश्ता और प्रतिनिधि गैंगस्टर डेनियल दे, के साथ उसका झगड़ा चल, चल रहा है एक रात डेनियल ने माइकल को अपने करीब दोस्त कातिर को तमिल तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम में कोच हमला किया है हमले के दौरान काफिर घायल हो गए एक साल के लिए लवाग्रस्त हो गया तमिल टीम को दिल्ली में आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए काथिर ने तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन से अनुरोध किया है कि वह जगह अपने पूर्ण साथी बिगिल को वास्तव में माइकल को ले ले इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है हाँ, दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी आप एक बार तो एंजॉय कर ही सकते हो और टेलीविजन के अलावा यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिए अगर दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मत अवेटेड मूवी बिगिल के बारे में तो मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में वीडियो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी बिगिल इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है बात करें इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर की इस मूवी के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान ने दिया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के अंदर म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है जो जाने पहचाने डायरेक्टर हैं और दोस्तों इस मूवी को 77 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और दोस्तों सेवनटी वन परसेंट रोटो टोमेटो की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग की तो 10 में से 6.7 की दमदार रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की इस मूवी के अंदर थालापति विजय नैन तारा अमरता अयर रेबा मोनिका जोन डेनियल बालाजी वर्ष आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। बिगिल वर्ष 2019 में जारी की गई तमिल भाषा की भारतीय फिल्म है इस फिल्म की विधा खेल और एक्शन है फिल्म का लेखक निर्देशन एटली ने किया है जबकि एस जी एस एंटरटेनमेंट के तहत बैनर बैनर तले इसके निर्माण कालापति एस ओगोराम है फिल्म में मुख्य अभिनय विजय ने किया है और अन्य कलाकारों में नेंतरा, जेके शराब विवेक और कतिर के काम किया है इसकी कहानी माइकल राइपन उगिल के चारों तरफ घूमती है जो एक फुटबॉल खिलाड़ी के डाकू बन जाता है और एक महिला फुटबॉल टीम को प्रसन्न देने का निर्णय लेता है उसे तब समस्या आती है जब उसे हिस्से पृष्ठभूमि के कारण टीम सहयोग नहीं करते सुन को कुछ लोगों का शिकार करना पड़ता है उसके बदला लेना चाहता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवम्बर दो हजार अठारह में अस्थायी तिरसठ के तहत की गई है क्योंकि यह एक अभिनेता के रूप में विजय की तिरसठवीं फिल्म है जो आधिकारिक को घोषणा जून 2019 में की गई है मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2019 में शुरू हुई है इस मुख्य रूप में चेन्नई में शूट किया गया था दिल्ली में एक छोटा कार्यक्रम है अगस्त में मध्य तक पूरा हो जाएगा फिल्म में संगीत ए आर रहमान ने दिया है है जीके विष्णु ने, ने किया है और संवादन रूबेन ने किए हैं बिगिल को दिवाली के अवसर पर 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जहां एक आलोचना की काफी सकारात्मक मिली है यह फिल्म 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल भर। तमिल फिल्म बनकर उभरी है जिसमें अपने रिलीज के बाद दो तीन सौ करोड़ का कलेक्शन किया है यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म में से एक बन गई है और विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है इस समय उसे कैरियर में जब जब तक कि वारिसु और लियो दोनों दो के पीछे नहीं छोड़ दिया है फिल्म में फिल्म ने एक फरवरी 2020 को फिल्... अपना 100 दिवसीय नाटकीय प्रदर्शन पूरा किया और जी एस अवार्ड तमिल आनंद विंकेट सिनेमा अवार्ड और तीन एडिशन अवार्ड को एसआई अवार्ड के प्रतीक दो पुरस्कार भी जीते हैं माइकल रायपन चैनल में रोयापुरम एक गैंगस्टर है जो अपनी जुग्गी बस्ती की मदद करने के लिए काम करता है उसका एजेंट आशीर्वादम के साथ एक अजीज रिश्ता और प्रतिदीदी गैंगस्टर डेनियल दे, के साथ उसका झगड़ा चल, चल, रहा है एक रात डेनियल ने माइकल को अपने करीब दोस्त कातिर को तमिल तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम में कोच कहे पर हम, हमला कर, किया है। हमले के दौरान काफिर घायल हो गए एक साल के लिए लवाग्रस्त हो गया तमिल टीम को दिल्ली में आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए काथिर ने तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन से अनुरोध किया है कि वह जगह अपने पूर्ण साथी बिगिल को वास्तव में माइकल को ले ले इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी आप एक बार तो एंजॉय कर ही सकते हो वो टेलीविजन के अलावा यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिए अगर दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मत चवेटेड मूवी बिगिल के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में वीडियो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी बिगिल इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है बात करें इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर की इस मूवी के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान ने दिया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के अंदर म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है जो जाने पहचाने डायरेक्टर हैं और दोस्तों इस मूवी को 77 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और दोस्तों 71 वन परसेंट रोटो टोमेटो की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई रेटिंग की तो 10 में से 6.7 की दमदार रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की यह मूवी आपको दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की इस मूवी के अंदर थालापति विजय नैन अमृता अयर रेबा मोनिका जोन डेनियल बालाजी वर्षा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं बिगिल वर्ष 2019 में जारी की गई तमिल भाषा की भारतीय फिल्म है इस फिल्म की विधा खेल और एक्शन है फिल्म का लेखन निर्देशन एटली ने किया है जबकि एस जी एस एंटरटेनमेंट के तहत बैनर बैनर तले इसके निर्माण कालापति एस ओगोरम है फिल्म में मुख्य अभिनय विजय ने किया है और अन्य कलाकारों में नेंतरा जेके शरा विवेक और कतीर के काम किया है इसकी कहानी माइकल राइपन उगिल के चारों तरफ घूमती है जो एक फुटबॉल खिलाड़ी के डाकू बन जाता है और एक महिला फुटबॉल टीम को प्रसिद्ध देने का निर्णय लेता है उसे तब समस्या आती है जब उसे हिंसक पृष्ठभूमि के कारण टीम सहयोग नहीं करते सुन को कुछ लोगों को शिकार करना पड़ता है उसके बदला लेना चाहता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2018 में स्थायी सिग्रेस तालापति तिरसठ के तहत की गई है क्योंकि यह एक अभिनेता के रूप में विजय की तिरसठवीं फिल्म है जो आधिकारिकीस को घोषणा जून 2019 में की गई है मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2019 में शुरू हुई है इस मुख्य रूम में चेन्नई में शूट किया गया था दिल्ली में एक छोटा कार्यक्रम है अगस्त में, में संगीत ए आर रहमान ने दिया है 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 ने किया है। और संवर्धन रूबेन ने किए हैं बिगिल को दिवाली के अवसर पर 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जहां एक आलोचना की काफी सकारात्मक मिली है यह फिल्म 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल तमिल फिल्म बनकर उभरी है जिसमें अपने रिलीज के बाद दो तीन सौ करोड़ का कलेक्शन किया है यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म में से एक बन गई है और विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है इस समय उसे कैरियर में जब जब तक कि और लियो दोनों 2023 दो के पीछे नहीं छोड़ दिया है फिल्म में फिल्म ने एक फरवरी 2020 को बीस को अपना सौ दिवसीय नाटकीय प्रदर्शन पूरा किया है और जी एस अवार्ड तमिल आनंद वेंकट अवार्ड और तीन एडिशन अवार्ड को एसआई अवार्ड के प्रतीक दो पुरस्कार भी जीते हैं माइकल रायपन चैनल में रोयापुरम एक गैंगस्टर है जो अपनी झुग्गी बस्ती की मदद करने के लिए काम करता है उसका एजिल आशीर्वादम के साथ एक अजीब रिश्ता और प्रतिद्वیدی गैंगस्टर डेनियल दे, के साथ उसका चल झगड़ा चल रहा है एक रात डेनियल ने माइकल को अपने करीब दोस्त कातिर को तमिल तमिल महिला फुटबॉल टीम में कोच कहे पर हमला किया है। हमले के दौरान काथिर घायल हो गए एक साल के लिए लवाग्रस्त हो गया तमिल टीम को दिल्ली में आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए काथिर ने तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन से अनुरोध किया है कि वह जगह अपने पूर्ण साथी बिगिल को वास्तव में माइकल को ले ले इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी आप एक बार तो एंजॉय कर ही सकते हो वो टेलीविजन के अलावा यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मत चवेटेड मूवी बिगिल के बारे में तो मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रिव्यू भी दिया है वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी बिगिल इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है बात करें इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर की इस मूवी के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान ने दिया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के अंदर म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है जो जाने पहचाने डायरेक्टर हैं और दोस्तों इस मूवी को 77 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और दोस्तों सेवेंटी वन परसेंट रोटो टोमेटो की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई एम डीवी रीडिंग की तो दस में से सिक्स पॉइंट सेवन की दमदार रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की इस मूवी के अंदर थालापति विजय अमृता अमरता ये, रेबा मोनिका जोन डेनियल बालाजी वर्ष बोलम आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं बिगिल वर्ष 2019 में जारी की गई तमिल भाषा की भारतीय फिल्म है इस फिल्म की विधा खेल और एक्शन है फिल्म का लेखक निर्देशन एटली ने किया है जबकि एस जी एस इंटरटेनमेंट के तहत कालापति एस है फिल्म में मुख्य अभिनय विजय ने किया है और अन्य कलाकारों में नेंतरा जेके के विवेक और कती के काम किया है इसकी कहानी माइकल राइपन उगिल के चारों तरफ घूमती है जो एक फुटबॉल खिलाड़ी के डाकू बन जाता है और एक महिला फुटबॉल टीम को प्रसिद्ध देने का निर्णय लेता है उसे तब समस्या आती है जब उसे हिस्से पृष्ठभूमि के कारण टीम सहयोग नहीं करते सुन को कुछ लोगों को शिकार करना पड़ता है उसके बदला लेना चाहता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2018 में अठारह में स्थायी पति तालापत्ती तिरसठ के तहत की गई है क्योंकि यह एक अभिनेता के रूप में विजय की तिरसठवीं फिल्म है जो आधिकारिक घोषणा जून 2019 में की गई है मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2019 में शुरू हुई है इस मुख्य रूम में चेन्नई में शूट किया गया था दिल्ली में एक छोटा कार्यक्रम है अगस्त में मध्य तक पूरा हो जाएगा फिल्म में संगीत ए आर रहमान ने दिया है छाया जी के विष्णु ने किया है और संवादन रूबेन ने किए हैं बिगिल को दिवाली के अवसर पर 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जहां एक आलोचना की काफी सकारात्मक मिली है यह फिल्म 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल भर। तमिल फिल्म बनकर उभरी है जिसमें अपने रिलीज के बाद दो तीन सौ करोड़ का कलेक्शन किया है यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म में से एक बन गई है और विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है इस समय उसे कैरियर में जब जब तक कि वारिसू और लियो दोनों 2023 दो के पीछे नहीं छोड़ दिया है फिल्म में फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को फिल्... अपना 100 दिवसीय नाटकीय प्रदर्शन पूरा किया है और जी एस अवार्ड तमिल आनंद विंकेट सिनेमा अवार्ड और तीन एडिशन अवार्ड्स को एसआई अवार्ड के प्रतीक दो पुरस्कार भी जीते हैं माइकल रायपन चैनल में रोयापुरम एक गैंगस्टर है जो अपनी जुग्गी बस्ती की मदद करने के लिए काम करता है उसका एजेंट आशीर्वादम के साथ एक अजीज रिश्ता और प्रतिनिधि गैंगस्टर डेनियल दे, के साथ उसका चल झगड़ा चल रहा है एक रात डेनियल ने माइकल को अपने करीब दोस्त कातिर को तमिल तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम में कोच कहे पर हम, हमला किया है। हमले के दौरान काथिर घायल हो गए एक साल के लिए लाग्रस्त हो गया तमिल टीम को दिल्ली में आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए काथिर ने तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन से अनुरोध किया है कि वह जगह अपने पूर्ण साथी बिगिल को वास्तव में माइकल को ले ले इस प्रकार इस मूवी की कहानी है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी आप एक बार तो एंजॉय कर ही सकते हो और टेलीविजन के अलावा यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा तो दोस्तों मिलते हूं आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले थालापति विजय की मत चवेटेड मूवी बिगिल के बारे में मूवी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रिव्यू भी दिया है ते वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी बिगिल इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया एटली कुमार ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है बात करें इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर की इस मूवी के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान ने दिया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के अंदर म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है जो जाने पहचाने डायरेक्टर है और दोस्तों इस को सेवनटी सेवन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77 सेवन परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है और दोस्तों सेवेंटी परसेंट रोटो की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के आई एम रीडिंग की तो दस में से सिक्स पॉइंट सेवन की दमदार रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा उनसठ मिनट के करीब देखने को मिलेगी तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की इस मूवी के अंदर थालापति विजय नैन अमृता अयर रेबा मोनिका जोन डेनियल बालाजी वर्ष बोलम आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं बिगिल वर्ष 2019 में जारी की गई तमिल भाषा की भारतीय फिल्म में इस फिल्म की विधा खेल और एक्शन है फिल्म का लेखक निर्देशन एटली ने किया है जबकि एस जी एस इंटरटेनमेंट के तहत बैनर बैनर तले इसके निर्माण कालापति एस ओगोराम है फिल्म में मुख्य अभिनय विजय ने किया है और अन्य कलाकारों में ना जेके शरा विवेक और कतिर के काम किया है इसकी कहानी माइकल राइपन उर्फ बिगिल के चारों तरफ घूमती है जो एक फुटबॉल खिलाड़ी के डाकू बन जाता है और एक महिला फुटबॉल टीम को प्रसिंद देने का निर्णय लेता है उसे तब समस्या आती है जब उसे हिस्से पृष्ठभूमि के कारण टीम सहयोग नहीं करते स्वयं को कुछ लोगों को शिकार करना पड़ता उसके बदला लेना चाहता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2018 में अस्थाई सिग्रस तालाब पति 63 के तहत की गई है क्योंकि यह एक अभिनेता के रूप में विजय की तिरसठवी फिल्म है जो अधिकारी सीरीज को घोषणा जून 2019 में की गई है मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2019 में शुरू हुई है इस मुख्य रूम में चेन्नई में शूट किया गया था दिल्ली में एक छोटा कार्यक्रम है अगस्त में मध्य तक पूरा हो जाएगा फिल्म में संगीत ए आर रहमान ने दिया है छाया जी के विष्णु ने किया है और संवर्धन रूबेन ने किए हैं बिगिल को दिवाली के अवसर पर 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जहां एक आलोचना जिसमें अपने रिलीज के बाद दो तीन सौ करोड़ का कलेक्शन किया है यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म में से एक बन गई है और विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है इस समय उसे कैरियर में जब जब तक कि वारिस और लियो दोनों दो के पीछे नहीं छोड़ दिया है फिल्म में फिल्म ने 1 फरवरी 2020 को बीस को अपना 100 दिवसीय नाटकीय प्रदर्शन पूरा किया है और जी एस अवार्ड तमिल आनंद विंकेट सिने अवार्ड और तीन एडिशन अवार्ड को एसआई अवार्ड के प्रतीक दो पुरस्कार भी जीते हैं माइकल रायपन चैनल में रोयापुरम एक गैंगस्टर है जो अपनी जुग्गी बस्ती की मदद करने के लिए काम करता है उसका एजेंट आशीर्वादम के साथ एक अजीज रिश्ता और प्रतिदिधि गैंगस्टर डेनियल दे, के साथ उसका चल झगड़ा चल रहा है एक रात डेनियल ने माइकल को अपने करीब दोस्त कातिर को तमिल तमिलनाडु महिला फुटबॉल टीम में कोच का पर हम, हमला कर, किया है। हमले के दौरान कातिर घायल हो गए एक हजार के लिए लवाग्रस्त हो गया तमिल टीम को दिल्ली में आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति देने के लिए ने तमिलनाडु फुटबॉल एसोसिएशन से अनुरोध किया है कि वह जगह अपने पूर्ण साथी बिगिल को वास्तव में माइकल को ले ले इस प्रकार इस मूवी की कहानी तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको देखने को भी मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी आप एक बार तो एंजॉय कर ही सकते हो और टेलीविजन के अलावा यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल चुकी है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना अगर इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा तो दोस्तों मिलते हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद